हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज शुभम. सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज यूट्यूब. लाइक हम यूट्यूब से भी पैसा कमा सकते हैं. अगर कमा सकते हैं तो कैसे गाइस? आज इन सब टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और सारी चीजें बताएंगे. सो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लॉगिंग से आप कैसे पैसा कमा सकते हो. तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी हो, आपने नहीं देखा हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हो वहां से. गाइस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सारी वीडियोस जो होती है वो इंटररिलेटेड होती है एक दूसरे से. ठीक है गाइस? तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अभी इस सिचुएशन में भी आप अर्न कर सकते हो, मतलब कि आपका एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है. लाइक आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहां से आपको अर्निंग मिल रही है, ठीक है, बट वो क्या, अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पे कंपनी आपको घर बैठे बैठे पैसे नहीं देगी, ऑब्वियस बात है नहीं देगी. तो गाइस, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. तो गाइस, इसीलिए कुछ ऐसे स्किल्स भी आपको आने चाहिए जो कुछ कैसे भी सर्कमस्टांसेस आ जाए वहां से आप अर्न कर सकते हो. तो जैसे कि अभी मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, लास्ट लास्ट वीडियो, उसमें फाइव ऐसे स्किल्स के बारे में बताया था जो थे हमारे ब्लॉगिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेड मार्केटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग और वीडियो एडिटिंग, जिसके कारण क्या कि आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने बॉस हो एक तरह से उस वर्क पर. ठीक है गाइस? तो ब्लॉगिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, आप वहां पे जाके देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा. तो आज का हमारा टॉपिक यूट्यूब है, यूट्यूब के बारे में बताएंगे. तो गाइस, यूट्यूब ऐसा है कि देखिए, आपको कुछ भी सर्च करना होता है तो आप सीधे पहले यूट्यूब पे जाते हो. अगर जैसे आपको फनी वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पर जाओगे, आपको सॉन्ग सुनने आप यूट्यूब पर जाओगे, या किसी चीज की नॉलेज लेनी है तब भी आप मोस्टली यूट्यूब पर विजिट करोगे. तो गाइस, एक बात बताइए आप, अब आपने किसी के प्लेटफॉर्म में, जैसे कि आपने यूट्यूब पर विजिट करा, वहां से आपको फनी वीडियोस देखने थे, तो आपने क्या करा, वहां पर जाकर किसी भी एक पर्सन का प्रोफाइल ओपन करके वहां से आपने वीडियो देख लिया. तो गाइस, आपने तो वीडियो देख लिया, आप खुश हो गए, आप बाहर आ गए. तो बट गाइस, आप ये देखिए कि उन्होंने भी मेहनत करके वीडियो अपलोड करी है. तो गाइस, उन्होंने वीडियो अपलोड करी है, आपने देख लिया, तो उससे क्या हुआ, उनके व्यूअर्स इंक्रीज हो गए. व्यूअर्स इंक्रीज होने के कारण क्या हो गया कि यूट्यूब उनको कहीं ना कहीं उनको कुछ चार्जेस पे करेगा, मतलब पैसे देगा, जो भी मतलब उनकी अर्निंग होगी उनमें से कुछ पोर्शन वो डिडक्ट करके उस पर्सन को देगा. तो गाइस, उनके अंदर वो स्किल्स है, तभी वो ऐसे वीडियो क्रिएट करके फिर यूट्यूब पर डाल रहे. तो गाइस, मैं भी ऐसे ही बताने जा रहा हूँ आज की, अगर आपके अंदर किसी चीज की मतलब कोई स्किल्स है जिस रिलेटेड आप नॉलेज शेयर कर सकते हो, उसको वीडियो बनाइए और वीडियो बना के आप यूट्यूब पर डालिए, वहां पे शेयर करिए, आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी गाइस. तो गाइस, जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, आप अकाउंटेंट हो, ठीक है, आप अकाउंटेंट हो, आप अकाउंटेंट की जॉब करते हो. तो गाइस देखिए, इस टाइम पे तो कुछ वर्क हो नहीं रहा, तो गाइस क्या है कि अब कुछ वर्क हो नहीं रहा तो आप क्या करोगे, इसमें आप घर बैठे हुए हो, तो अगर आपको अकाउंटेंट की नॉलेज है तो आप उसके बारे में उससे रिलेटेड वीडियोस बनाइए, वीडियोस बनाकर उनको यूट्यूब पर अपलोड कीजिए, यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद उसको शेयर कीजिए. क्योंकि गाइस देखिए, आपके अंदर जो नॉलेज है आप अगर लोगों को बताओगे, लोगों के साथ शेयर करोगे, तो और भी लोगों को अच्छा लगेगा और उनको नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो 10 लोगों को और शेयर करेंगे, तो उससे आपके व्यूअर्स भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी आएंगे. ठीक है गाइस? तो आपको समझ में आ गया होगा यूट्यूब कैसे, यूट्यूब से भी अर्निंग हो सकती है, आप ये फंडामेंटल आपको मतलब क्लियर हो चुका होगा. तो गाइस, लेकिन हम करें कैसे, यूट्यूब में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन तो दिखता नहीं हमें कि कैसे क्या करना है. तो गाइस, वही चीज समझाने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूट्यूब पर वीडियो क्रिएट करें, मतलब वीडियो क्रिएट करके कैसे अपलोड करें यूट्यूब पर, और फिर कैसे शेयर करना है, कहां पे जाके आपका डैशबोर्ड रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज बताएंगे हम आपको. ठीक है सर? तो गाइस, चलिए हम चलते हैं अपने यूट्यूब स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ. गाइज, जैसे कि हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो गाइज अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, न्यू टैब ओपन करके वहाँ पे आपको यूट्यूब सर्च करना है. तो गाइज, जैसे कि मैंने अपना यूट्यूब यहाँ पर टाइप कर दिया है, यूट्यूब टाइप करने के बाद देखेंगे गाइज ये ऐसा ओपन हो जाएगा जो लेआउट है यूट्यूब का. फिर राइट साइड टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर आपका साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप साइन इन कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है तो इसलिए मेरे में ऐसा शो हो रहा है. ठीक है गाइस, यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको वहाँ पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पहला ऑप्शन है वहाँ पे क्रिएट ए चैनल का ऑप्शन आ रहा है, तो गाइस आपको वहाँ पे बस क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद लिखा आएगा योर क्रिएटर जर्नी बिगिंस,
तो यहाँ सर गाइस ऐसा होता है कि यहाँ पे मतलब आप जो भी वीडियो क्रिएट करते हो ना, आपको यूट्यूब पर नहीं क्रिएटर का नाम दिया जाता है, क्योंकि आप एक तरह से क्रिएटर हो गए, नए वीडियोस बना रहे हो तो क्रिएटर का आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको देखना है हाउ टू क्रिएट योर चैनल, आप कैसे बनाना चाहते हो, मतलब यूज़ योर नेम या यूज़ अ कस्टम नेम। गाइज ये इसका मतलब ये है कि देखो जो जिस आईडी से आपने जीमेल अकाउंट से आपने लॉग इन किया होगा उसी नाम से आपको बनाना है, या आपको नया नेम मतलब रखना है। नया नेम है मतलब जैसे सपोज दैट आपका नाम समझ लेते हम रवि है, तो आपको जैसे आप टेक्निकल की नॉलेज है तो रवि डॉट टेक्निकल ऐसे करके बना सकते हो, या टेक्निकल रवि करके बना सकते हो, अदरवाइज आप जीमेल से भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, अपने जीमेल वाले पे क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब सिलेक्ट का ऑप्शन हो गया, अब आगे प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद गाइज यहाँ पे लिखा आगे देखिए, नाइस वर्क योर चैनल ऑल इन वन चैनल हैज़ बिन क्रिएटेड, मतलब जो आपने जिस मेल आईडी से साइन इन किया था आपने उसी से चाहते थे वीडियो बनाना, तो वही लिखा आ गया कि ठीक है आपका चैनल क्रिएट हो गया। अब गाइज यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर मांग रहा है। तो गाइज यहाँ पे क्या करना है, आपको एक प्रोफाइल पिक्चर बनाकर अपलोड करनी है। नीचे जैसे ही आप वहाँ पे अपलोड पिक्चर पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी है वहाँ से अपने फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं इसको एज इट इज़ अब छोड़ रहा हूँ, मैं बाद में इसको अपलोड कर दूँगा। उसके नीचे फिर आपको बताना है टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल। जैसे आपने चैनल तो क्रिएट कर लिया, चैनल क्रिएट करने के बाद आपको थोड़ा सा आपके अपने व्यूअर्स को बताना है कि आपका चैनल किसके बारे में है। सपोज दैट आपने चैनल क्रिएट करा नेचर से रिलेटेड, ठीक है, आपने चैनल का नाम रखा है नेचर वीडियोज़, तो गाइज आपको थोड़ा बताना भी पड़ेगा कि आपके जो ये चैनल है इसमें नेचर से रिलेटेड वीडियोस रहेगी, इसमें हम नेचर को प्रमोट करेंगे, नेचर के बारे में पॉजिटिविटी फैलाएंगे, पॉजिटिव बातें बताएंगे कि नेचर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कैसे जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें होगी आप वो शेयर करोगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। अब उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं गाइज, वहाँ पर बता रहा लिंक्स टू योर साइट, मतलब अगर आपकी कोई वेबसाइट है मतलब देखिए अल्टीमेटली आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, और ट्रैफिक जनरेट करने के बाद आपको कहाँ पे उस ट्रैफिक को मतलब कन्वर्ट करना है, या आप कह सकते हो कि कहाँ पे डाइवर्ट करना है। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो गाइस वहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, अदरवाइज सोशल प्लेटफॉर्म के जो आपके हैं वहाँ वो भी आप लिंक कर सकते हो। सोशल प्लेटफॉर्म में गाइस यहाँ पे तीन ऑप्शन बता रहे हैं, पहला है फेसबुक का, दूसरा है आपका ट्विटर का, और तीसरा है आपका इंस्टाग्राम का। तीनों में से आप जिस पे चाहे उस पे कर सकते हो, मैं अभी इसको सेव एंड कंटिन्यू ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर आपने प्लेटफॉर्म पे बना रखा है तो वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। तो गाइस आप देख रहे हो जैसे मैंने उस पर क्लिक वहाँ पे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भर के फिर सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अब आप अपने डैशबोर्ड पे आ गए हो, वैसे ही ऐसा शो हो रहा है, देखिए कस्टम चैनल, कस्टमाइज चैनल, यूट्यूब स्टूडियो, होम वीडियो, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही है। तो गाइस आपको क्या करना है, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, वो प्रॉपर आपका चैनल का होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपका चैनल आर्ट मांग रहा है, लोगो, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारे आपके मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये सब आप फुलफ़िल कर दोगे तो कोई भी आपके चैनल पे आएगा उसको अच्छा लगेगा। आप लोगो पे जैसे लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हो चैनल का, जिस भी आप नाम से चैनल क्रिएट कर रहे हो उसका आप लोगो क्रिएट करके लगा सकते हो। ऐड चैनल आर्ट, यहाँ पे आप इतना जो इसका साइज़ है साइज़ पे आप चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हो, कोई भी इमेज क्रिएट कर इसके साइज़ का वहाँ पे आप कुछ भी इन्फॉर्मेटिक या आप जो भी चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन डाल के आप अपलोड कर सकते हो। तो गाइस अब हम चलते हैं क्रिएटर स्टूडियो पर यूट्यूब के, ठीक है। तो गाइस हमने राइट साइड टॉप कॉर्नर पे क्लिक करा, अब वहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है क्रिएटर स्टूडियो, गाइस वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद हम क्रिएटर स्टूडियो के डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। अब देखिए वहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो हम देखते हैं एक बार क्या है, लर्न मोर पे क्लिक करके बस हट सकता अगर आप क्लिक कर दोगे साइड पे, तो जैसे कि ये हटा चुके हैं हम। अब ये देखिए ये आपका डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपने वीडियो अपलोड करा है, मतलब चैनल का एनालिटिक्स मिलेगा। एनालिटिक्स मतलब कि आपने जो चैनल क्रिएट करा है उस पर आपने जो वीडियोस डाले उस वीडियो में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितना वॉच टाइम हो गया, कितने आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं, कौन सी वीडियो अच्छी जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस डैशबोर्ड पर मिलेगा। तो गाइस आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर मिलेगी, क्रिएटर स्टूडियो में जाकर।
जैसे मैंने आपको बताया राइट साइड टॉप कॉर्नर पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्रिएटर स्टूडियो को आएगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो डैशबोर्ड है, वीडियोज़ है, वीडियोज़ के अंदर यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने जो भी वीडियोज़ डाले हैं अपलोड करा है, विजिबिलिटी कितनी है कितने लोगों ने। तो गाइस रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, जैसे रिस्ट्रिक्शन मतलब ये हो गया कि कुछ आपने कोई मतलब कॉपीराइट तो नहीं है आप पे, या फिर कुछ वीडियोस होती है जो सर्टेन एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होती है, वहाँ पे आपके वीडियोस नहीं दिखाई जाएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। डेट है गाइस यहाँ पे आपने कब अपना अपलोड करा है वीडियो को वो है, व्यूज़ कितने आए, व्यूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है गाइस, कॉमेंट भी है और लाइक वर्सेज डिसलाइक भी है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी वीडियोस के अंदर। अब गैस आपने कोई प्लेलिस्ट बना रखी है तो उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। अब उसके बाद गैस नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में अगर हम जाते हैं तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके चैनल से रिलेटेड मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया ओवरव्यू, मतलब पूरे चैनल का ओवरव्यू बताएंगे वो छोटा सा, लास्ट 28 डेज में आपके चैनल ने क्या कितने व्यूज़ आए हैं, कितना वॉच टाइम हुआ, कितना सब्सक्राइब हुआ। व्यूज़ मतलब कितने लोगों ने आपको ओपन करके देखा, वॉच टाइम मतलब गाइस ये हो गया कि कितने लोगों ने कितनी देर मतलब कितने देर तक देखा है, 1 घंटे 2 घंटे या जितना भी वीडियो रहेगा जितने लोग देखेंगे तो उसका टोटल आवर्स निकाला जाएगा। फिर एक ऑप्शन सब्सक्राइबर का भी है, उसमें आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर कितने हैं, ये भी लास्ट 28 डेज में इसमें शो करेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है रीच। गाइज रीच में क्या है कि बताएगा वो टोटल कितने लोगों तक पहुँचा, इम्प्रेशंस दिखाएगा कि इतने लोगों तक पहुँचा है, इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट मतलब कि उस इम्प्रेशन में से कितने लोगों ने क्लिक करा ये दिखाएगा आपको। फिर व्यूज़ कितने हुए उनमें से, फिर यूनिक व्यूअर्स कितने हुए, मतलब एक तो व्यूज़ में आपके नए पुराने दोनों आएंगे, बट यूनिक व्यूअर्स मतलब जो नए आए जो फर्स्ट टाइम आपके चैनल पर आए तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको यहाँ पे। ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो आपका इसमें दिया हुआ है क्रिएटर स्टूडियो में, ये इंगेजमेंट का दिया हुआ है। गाइस इंगेजमेंट में आपको बताएगा कि वॉच टाइम और एवरेज व्यू ड्यूरेशन मतलब कितने घंटे तक चला और एवरेज व्यू ड्यूरेशन बताएगा। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस में मैंने आपको बताया था यूनिक व्यूअर्स बताएगा, नए व्यूअर्स कितने हैं, एवरेज व्यूज पर व्यूअर मतलब कि अगर आपके 100 व्यूअर्स नए आए हैं उसमें से एवरेज निकालेंगे वो कितने लोगों ने देखा, और सब्सक्राइबर तो बताएगा ही बताएगा कि कितने नए सब्सक्राइबर हैं। ये सारा गाइस था आपका ये चैनल एनालिटिक्स के अंदर। अब गाइस हम बात करते हैं कमेंट्स की। ठीक है इसमें आपको पता चलेगा किस चैनल पे आपको कितने कमेंट्स मिले हैं, कुछ स्पैमी कमेंट्स तो नहीं है, या फिर कुछ कमेंट्स जो हैं वो व्यूज़ मतलब रिव्यू में तो नहीं गए हुए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब कमेंट्स से रिलेटेड जो भी आप वीडियो अपलोड करोगे उसमें लास्ट में कमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें कैसे कमेंट्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। अब गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आता है सबटाइटल्स। यहाँ पे सबटाइटल्स मतलब आपने वीडियो पे कोई सबटाइटल यूज़ किया, जैसे कि बहुत से जो वीडियोज़ होते हैं वो हिंदी में होते हैं लेकिन सबटाइटल्स चल रहे होते हैं इंग्लिश में, तो ऐसा कुछ यूज़ किया तो उससे रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब गाइस मेन पार्ट आता है मोनेटाइजेशन का। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था मोनेटाइजेशन, चलिए ठीक है मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार वीडियो का थोड़ा आपको बता देता हूँ वीडियो कैसे अपलोड करेगा कर सकते हैं, फिर हम आपको मोनेटाइजेशन के ऊपर बताएंगे। ठीक है गाइस तो वीडियो अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा रेड कलर से, आप देख रहे हो क्रिएट पे आपको कुछ नहीं करना गाइस, वहाँ पे क्लिक करके अपलोड अ वीडियो तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अपलोड वीडियो के बाद यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करनी है, जो भी आपने वीडियो क्रिएट कर रखी होगी उसको अपलोड करना है। सपोज हम एक डेमो पर्पज से ये वीडियो ले लेते हैं, हमें ये अपलोड कर दी। अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का, ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि आपको वीडियो तो अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़ा सा लिखना भी है कि ये मतलब टाइटल देना एक तरह से। तो गाइस टाइटल यहाँ पे मांग रहा है, टाइटल आपको रिप्रेजेंट करेगा कि वीडियो को, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आप रिप्रेजेंट करेगा डिस्क्रिप्शन की मतलब आपके वीडियो किसके बारे में है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में डालोगे। ठीक है वो सारे करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा एक और ऑप्शन है गाइस थंबनेल का, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं थंबनेल। थंबनेल क्या होता है, जब वीडियो जब आप यूट्यूब पर जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखता है कि मतलब जो इमेज दिखती है फर्स्ट इमेज उसको थंबनेल कहते हैं। तो गाइस आप वीडियोस जो आपने वीडियो अपलोड करा उससे भी आप थंबनेल ले सकते हो।
अदरवाइज आपने कुछ क्रिएट करा तो अपलोड करके वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज जैसा मैंने आपको बताया, आप थंबनेल है यहाँ पे, थंबनेल भी यूज़ कर सकते हो। थंबनेल के दो क्राइटेरिया, आप जो आपने जो वीडियो अपलोड करा उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके आप डाल सकते हो, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इनमें से कुछ डाल सकता हूँ, अदरवाइज आप अपना कस्टम थंबनेल अपलोड करके भी डाल सकते हो। बट ये होगा कैसे है? अभी देख रहा हूँ आप क्लिकेबल नहीं है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा कि कैसे अपने चैनल पे कस्टम थंबनेल आप अपलोड कर सकते हो। ये गाइस उसके बाद अब हम बात करते हैं, नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन करके ऑडियंस। ऑडियंस में अभी यूट्यूब ने ये डाला है कि ये मतलब नई पॉलिसी डाली है कि आपकी जो वीडियो है वो क्या किड्स के लिए है या नहीं है। अगर है तो आप यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप सिंपली मैंशन कर दो नो उस पर क्लिक करके, जो भी जैसे अगर यस है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, नो है तो नो पे क्लिक कर सकते हो, दोनों में से एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आया है एज रिस्ट्रिक्शन, मतलब एडवांस लेवल पे है कि आपकी जो वीडियो है वो गाइस 18 एज जो है उसके ऊपर लोगों के लिए है या उससे नीचे लोगों के लिए है। तो अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे वीडियो क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे देख सकते हो तो आप उसको सेलेक्ट करिए, अदरवाइज उसको डिसलेक्ट करके आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट है मोर ऑप्शन। गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, सब पे गो थ्रू करना, अदरवाइज फिर आपका वीडियो है वो ठीक से अपलोड नहीं हो पाएगा और फिर उससे व्यूअर्स नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, शेयर्स नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, तो प्रॉब्लम गाइस आप ही के लिए होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप जरूर करिएगा। हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पे आ रहा है पेड प्रमोशन, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट रहा है यहाँ पे पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन में गाइस ये है कि इसका मतलब कि जैसे आपने जैसा भी वीडियो आपने क्रिएट करा है, वीडियो क्रिएट करने के बाद आप कुछ प्रमोट तो नहीं कर रहे हो या किसी का आपने फेस यूज़ तो नहीं करा। जैसे आपने वीडियो बनाया सपोज दैट ऐप्स के ऊपर, सो उसमें ऐप्स में ऐप्स को आप प्रमोट तो नहीं कर रहे हो ना। अगर प्रमोट कर रहे हो तो यहाँ पे आप चेक मार्क कर दो, अदरवाइज को अनचेक रहन दो। अब उसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है टैग्स का। अभी टैग्स होते क्या है? टैग्स बेसिकली क्या होते हैं कि गाइस जो टैग्स यूज़ करने का बेनिफिट सबसे पहले ये है कि अगर टैग्स यूज़ करोगे तो आपके वीडियोस में ना ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस रहते हैं। टैग्स से ही पता चलता है आपके वीडियोस कैसे हैं और किनको दिखाया जाए। तो गाइस टैग्स मतलब ये हो गया कि जो आप यूट्यूब पर कीवर्ड डालते हो, कीवर्ड डाल के आप जो सर्च करते हो उससे आप बेसिकली टैग्स बोलेंगे। तो जैसा भी आपका वीडियो रहेगा उससे रिलेटेड आपको टैग्स यहाँ पर ज़रूर डालने, 500 वर्ड्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो आप डाल सकते हो। जैसे एक दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ये जैसे ये पिज़्ज़ा की वीडियो है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम टैग थोड़ा सा डाल सकते हैं। एक दो टैग मैं आपको डाल सक दिखा देता हूँ, पिज़्ज़ा वीडियो, ऐसे होते हैं टैग्स, ठीक है गाइस। होप आप लोग को समझ में आ गया हो टैग्स क्या है। उसके बाद गाइस क्या है कि आपको वीडियो लैंग्वेज बतानी है, मतलब आपने वीडियो किस पे क्रिएट करा है, जिस लैंग्वेज में आपने क्रिएट करा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन, मतलब आपने वीडियो कब अपलोड करा है वो चीज़ आप डालोगे, और लोकेशन मतलब कहाँ आपने किस लोकेशन में क्रिएट करी वीडियो का, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। इम्पैक्ट ये रहेगा कि जहाँ की आप लोकेशन डालोगे वहाँ के लोकल व्यूअर्स को या यूट्यूबर जो यूट्यूब हैं वो आपके वीडियोज़ को दिखाएंगे। तो ये आप थोड़ा सोच समझ के डालिएगा, आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहीं और की भी लोकेशन डाल सकते हो, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे देखिए मैंने आई डाला तो मैं इंदौर इंडिया, मतलब तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा नीचे, बहुत सारी कंट्रीज़ का, आप उसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस कैटेगरी में ये रहेगा कि जिस वीडियो जो है आपने जो चैनल क्रिएट करा है वो किससे रिलेटेड करा है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कार्स एंड व्हीकल्स, म्यूज़िक, पेट्स एंड एनिमल्स, ट्रैवल एंड इवेंट्स, गेमिंग, मतलब वो आपके ऊपर सारे डिपेंड करता है कि आपने किस नीश के ऊपर वीडियो बनाई है, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कमेंट्स एंड रेटिंग्स का। अब वहाँ पे आपको कमेंट्स जो है वो आपको सारे अलाउ करने या डिसेबल करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कर सकते हो जो भी चेंजेस आपको करने हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर वहाँ से आपको सेव और पब्लिश, यहाँ पे आपको गाइस दो ऑप्शन मिलेगा, आप स्केड्यूल भी कर सकते हो और पब्लिश भी कर सकते हो उसी टाइम पर।
अगर आप चाहते हो नहीं मुझे अभी नहीं करना, मुझे 3 घंटे बाद पब्लिश करना है, तो आप स्केड्यूल कर दीजिए बेसिकली। अब पब्लिक में गाइस यहाँ पे आप जैसे अगर आपको पब्लिक करना है तो आप पब्लिक पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन उस पर क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको स्केड्यूल करना है स्केड्यूल पे क्लिक करके यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने जैसे 29th कर लिया और यहाँ पर टाइमिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो किस टाइम पे करना है। मैंने 2:15 कर दिया, फिर यहाँ पे स्केड्यूल कर दिया। ठीक है गाइस, तो यही था यूट्यूब के ऊपर सारा कि आपको कैसे चैनल क्रिएट करना है और कैसे आपको वीडियोस अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद क्या क्या बेसिक चीज़ है। एडवांस लेवल की चीज़ें भी मैंने आपको बता दी इसी में कि क्या क्या आपको यूज़ करना है, टैग्स कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब गाइस मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको चैनल अपलोड कर वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब के चैनल पर मैं आपको बताऊंगा मोनिटाइजेशन से रिलेटेड कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। तो गाइस हम क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ही आपको मैंने दिखाए थे, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे यहाँ पे, जैसे कि डैशबोर्ड, वीडियोस, प्लेलिस्ट, एनालिटिक्स। यहाँ पे मैंने बोला था मोनिटाइजेशन, मोनिटाइजेशन का वीडियो, मोनिटाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट पहले वीडियो हम अपलोड करना सीख लेते हैं। तो वो हम कर चुके, अब हम मोनिटाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ मोनिटाइजेशन। मोनिटाइजेशन के ऊपर देखिए गाइस यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी है। तो गाइस इसमें लिखा हो टू गेट इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम योर चैनल नीड्स टू हैव 4000 पब्लिक वॉच आवर्स फ्रॉम द लास्ट 12 मंथ्स एंड 1000 सब्सक्राइबर्स। योर चैनल विल गेट रिव्यू टू मेक श्योर दैट इट फॉलोज। तो गाइस इसका मतलब ये है कि पैसा कमाने के लिए छोटा सा इनका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि आपको पिछले जब भी जिस दिन आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करा है उस दिन से लेकर 12 महीने तक, मतलब अगले 12 महीने से पहले पहले आपको 4000 घंटे कंप्लीट करने और 1000 सब्सक्राइबर करना है गाइस, तभी आप मोनिटाइजेशन इनेबल कर पाओगे, तभी आप यूट्यूब से अर्न कर पाओगे। तो इस ये आप कैसे करोगे गाइस, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वीडियो देखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो जल्दी से जल्दी जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप देखोगे ठीक है मेरा 4000 वॉर्स कंप्लीट हो गया और 12 महीने से पहले ही हो गया और 1000 सब्सक्राइबर हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब चैनल अपने डैशबोर्ड पर आकर मोनेटाइजेशन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक करना है ब्लू बटन जो आपको दिख रहा है नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल, मतलब कि ठीक है आपका हो गया, आप यहाँ पे जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आप कर चुके हो कंप्लीट, अब आपको मोनेटाइजेशन पे अप्लाई करना है चैनल के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो गाइस इससे क्या होगा, जैसे आप कर दोगे तो फिर आपको मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगा, आप यूट्यूब से आप भी अर्न कर पाओगे। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं, कैसे अपलोड करें और मोनेटाइजेशन कैसे करें। तो गाइस मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर और भी एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊँगा कि कैसे, मतलब यूट्यूब आपका जो डैशबोर्ड रहेगा, जो चैनल रहेगा, उसके कुछ एडवांस सेटिंग्स बताऊँगा, और उसके साथ के साथ कस्टम थंबनेल वाला पॉइंट था जो मैंने आपको कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। और गाइस साथ के साथ मैं आपको एक प्रो टिप्स बता रहा हूँ, वो प्रो टिप क्या है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा कि आप अपने चैनल को जल्दी से जल्दी कैसे ग्रो करो। तो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा कुछ एडवांस लेवल की सेटिंग्स और एक प्रो टिप बताऊंगा जैसे कि जिससे कि आप अपने यूट्यूब के जो बेसिक क्राइटेरिया 4000 वॉच आवर्स एंड इन 12 मंथ्स एंड 1000 सब्सक्राइबर, ये आप कैसे फटाफट आप गेन कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। तो ये प्रो टिप है, ये कुछ ट्रिक्स रहेगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे बताया कि आपको यूट्यूब पर जाकर कैसे लॉग इन करना है, कहाँ आपको चैनल क्रिएट करना है, और चैनल क्रिएट करने के बाद कैसे आपको अपलोड करना है, कहाँ आपको टाइटल डालने हैं, कहाँ टैग्स डालने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वहां से बताई है। ठीक है गाइस, होप मैं आप यही चीज़ समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें। ठीक है गाइस, अगर आपको स्टिल फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगती है आप डोंट वरी, आप कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके आप हमें बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारी टीम और हम उसको जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट करेंगे। और स्टिल अगर आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो, आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके
वहां से मेल कर दीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। तो गाइज होप आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि इससे करने से क्या होता है गाइज हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा और एक्टिवली वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले और उससे थोड़ा हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ चलो ठीक है, हमें सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, हमें व्यूज मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम अच्छी वीडियोस बनाए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन शेयर करें हम अपने ऑडियंस के लिए। सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज।